गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हेल्थ केयर के ऑथेंटिक वीडियो में आपका स्वागत है। नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिले इसके लिए जरूरी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबाएं। आज इस वीडियो में बात करते हैं ओसिमम कैनम की। ये बॉटनिकल नेम है, इसको हिंदी में तुलसी बोलते हैं। तुलसी घर में सम्मान पूर्वक पूजा जाता है और उसको चाय में बना के पिया भी जाता है। तो जो तुलसी है वो बेहतरीन केमिकल से युक्त पौधा है जो कि शरीर की कई बीमारियों को ठीक करता है। दिक्कत क्या है कि जब इसको चाय में बना के या उबाल के पीते हैं तो तुलसी क्या करता है कि यूरिक एसिड जो डायथेसिस है, यानी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड जो एक्सेस मात्रा में वो उसको कम करता है, लेकिन उसी के साथ साथ चाय में जो टी चाय है उसके अंदर जो चाय की पत्ती डालते हैं वो यूरिक एसिड को बढ़ाता है। यानी यूँ समझिए कि जैसे आपने प्याला इस तरह से इसमें एक तुलसी मिलाया, तो तुलसी क्या करता है कि यूरिक एसिड को कम करता है, यानी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड जो एक्सेस मात्रा में हो गया उसको बाहर निकालता है। और जो चाय है, चाय पत्ती, इसके अंदर थीन एक केमिकल पाया जाता है जो कि यूरिक एसिड को बढ़ाता है। तो ये दिक्कत है। अगर हम लोग इसमें सब कुछ डालें, अदरक डालें, चीनी डालें, तुलसी डालें और सब कुछ डालें, लेकिन अगर चाय की पत्ती केवल न डालें तो और बेहतर शरीर के लिए लाभदायक होगा। ये जो चाय की पत्ती है नुकसान करती है, यूरिक एसिड को तो बढ़ाती है, उसके साथ साथ बॉडी के अंदर और जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उनको अफेक्ट करती है और गलत तरीके से डायरेक्ट करती है और ज्वाइंट्स को खराब करती रहती है इस तरह से। तो जो तुलसी है वो बेहतरीन मटेरियल है, बेहतरीन प्लांट है जो कि शरीर के कई बीमारियों को ठीक करता है। इसका जो बेहतर एक्शन है वो किडनी है और ब्लैडर है, यूरेथ्रा है। किडनी, ब्लैडर, यूरेथ्रा, तो देखिए इस तरह से यहाँ पे किडनी है ऐसे, उसके बाद दो तरफ यहाँ पे किडनी इस तरह से भी ऐसे किडनी, यहां से पेशाब बन के आती है, ब्लैडर में इकट्ठा होती है और इस ब्लैडर से बाहर निकलता है इस तरह से ऐसे। ये यूरेथ्रा है, ये ब्लैडर है और ये दोनों तरफ की किडनी है। तो देखिए यूरिन इस किडनी में बनता है और यूरिया लीवर में बनती है। यूरिया लीवर में बन करके आती है, किडनी इसको फिल्टर करता है, फिल्टर करके इस तरह से यहां पे लाता है ब्लैडर में, ब्लैडर में इकट्ठा रहता है, जब थोड़ी मात्रा में इकट्ठा हो जाता है तो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकलता है। तो ये जो तुलसी का पौधा है करता क्या है कि इस किडनी में जो थोड़ी दिक्कतें स्टार्ट हो रही होंगी या फिर इस ब्लैडर में, जैसे ब्लैडर में सिस्टाइटिस हो जाता है, बार बार फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, कई बार पेशाब लगती है लोगों को, थोड़ी मात्रा में पेशाब बाहर निकलती है और अधिक मात्रा में यहाँ पे बची रहती है, तो बार बार यूरिन आना या फिर इस किडनी में स्टोन का बनना, तो इन सब कई समस्याओं से जो तुलसी का पौधा है वो निजात दिलाता रहता है। तो इस तरह से इसका स्फेयर ऑफ एक्शन देखिए, किडनी, ब्लैडर और यूरेथ्रा। और खास बात, इफेक्ट ऑन यूरिक एसिड डायथेसिस, यानी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड एबनॉर्मल होने की वजह से जो भी दिक्कतें उत्पन्न होती हैं उन सबके लिए बेहतर तरीके से काम करता है। और खास बात, जो पेशाब निकलती है वो ब्रिकरेट सेडिमेंट निकलता है इसमें से, यानी हल्का सा लाल कलर का निकलता है, या लिखा है देखा सेफ्रॉन कलर। यूरिन इज थिक, थिक मतलब इसमें मटेरियल डिजॉल्व ज्यादा है, मटेरियल डिजॉल्व जब ज्यादा हो जाएंगे तो यूरिन क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, थोड़ा मोटा हो जाएगा। और ब्रिक डस्ट लाइक सेडिमेंट, कलर लाइक सेफ्रॉन, जो सेफ्रॉन कलर होता है झंडे में सबसे ऊपर जो देखिए कलर बना रहता है, तो उस सेफ्रॉन कलर का यूरिन पास हो रहा है।
प्रोटीन भी जा सकती है, एल्ब्यूमिनेरिया भी हो सकता है। और खास बात, टिप ऑफ ब्रेस्ट इज वेरी पेनफुल, महिलाओं के जो ब्रेस्ट का जो टिप है बहुत ज्यादा दर्द है उसमें, कपड़ा छूने, कपड़े के टच से भी भयानक पेन होता है, तो काफी पेनफुल है। उसके साथ वेजाइना और बाहर वाला जो पोर्शन है, लेबिया मेजोरा माइनोरा, इन सब पोर्शन में काफी तेज दर्द है, वहां पे चुप रहा टीस जैसा मार रहा है। तो इन सब समस्याओं के लिए आप यूज करें ओसिमम कैनम का मदर टिंचर। इस तरह से जो नेचुरल हर्ब्स हैं बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेस को ठीक करती रहती हैं, लेकिन कुछ लोग अनाचार करते रहते हैं बॉडी के ऊपर, इस वजह से बॉडी उसको बैलेंस नहीं कर पाती और बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो कोशिश करें नेचर में जितने भी पेड़ पौधे इन सब से जो भी एक्सट्रैक्ट मटेरियल है आप उन्हीं का यूज करें, और आर्टिफिशियल जो बनाए गए हैं उन सब का कम से कम यूज करेंगे तो स्वास्थ्य पे जो नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला रहेगा वो इन सब प्लांट से कम होता रहेगा। तो इस तरह से आप यूज करें ओसिमम कैनम का मदर टिंचर 15 बूंद 3 टाइम, ठीक है, और इसको यूज करें 1 महीना तक। उसके बाद इसी का 30 पोटेंसी यूज कर दें, ओसिमम कैनम 30 पोटेंसी 4 बूंद सुबह में केवल 1 टाइम। तो पहले आप इसको यूज करें फिर बाद में इसको यूज करें, इसको भी 1 महीने तक लें। तो इस तरह से जो यूरिक एसिड डायलिसिस है और जो टिप ब्रेस्ट का जो टिप है उससे तेज जो पेन हो रहा है, लेबिया मेजोरा माइनोरा में जो दर्द हो रहा है, तो इस तरह के जो सिम्टम्स हैं इस तुलसी के पौधे का जो केमिकल है उससे ठीक होगा। पोटेंटाइज मेडिसिन लेते हैं बाद में, पहले लोअर पोटेंसी से स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से आज की वीडियो में बात हुई ओसिमम कैनम की। तो इस वीडियो को और लोगों को शेयर करें ताकि उनकी भी इन्फॉर्मेशन बढ़े और बीमार होने की संभावना कम हो। थैंक यू।